हाँ फ्लोरेंस में देखो, हम फ्लोरेंस जाते रहे, कैसे लोग सड़क पे रो रहे थे, घर में रो रहे थे, वेनिस में। हमारे यहाँ जब कोरोना आया ऐसा लगता है देश में उत्सव चल रहा है। किसी की लुगाई पिज्जा बना रही है, किसी की बर्गर बना रही है, किसी के खसम के बाल काट रही है, ऊपर से वो प्रधानमंत्री ने रखा हमने इवेंट मैनेजर। उन्होंने कहा भाई 5 बजे थाली बजाओ। मेरे को कांग्रेस के एक मंत्री का फोन आया, पूर्व मंत्री का, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा थाली बजाओ, वो बोला भाई साहब आज 5 बजे क्या होगा। मैंने कहा देख आवाज आएगी। बोले कैसे? मैंने कहा जो उनके समर्थक है वो थाली पीटेंगे और तुम छाती कूटोगे। आवाज तो आए। आज मतलब किरण रिजिजू ने सिद्ध कर दिया कि वो मोदी जी का सिपाही है। 5 बार बोला भाई मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। और जिस तरह से 5 बालकों ने मोदी मोदी के, तुम जैसा नहीं जीता है जो बिना समझे मामले में ताली बजाते हैं। निवेदन करता हूं सुनिएगा कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो, भाई साहब बैठ जाओ, नहीं आई आवाज। अच्छा फोन पे भाभी जी, मेरी भी, मेरा भी चरण स्पर्श कर। हाँ कह रहे तुम्हारी भाभी का फोन है, वही तो कह रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा भाभी जी का हो तो मेरी ओर से भी प्रणाम चरण स्पर्श बोलो। इसमें मेरी भावना है, स्पर्श आपका ही रहेगा, चिंता मत करो। हाँ कभी इसी बात का सम्मान भेजते कि आपने स्पर्श की इच्छा जाहिर की। मैं सदूर हूँ भैया कि किसी के दिल की मायूसी। भाई मथुरा में जब मैं जाता हूँ तब पंडों में घिर के जो पहली बार डर लगा था वो आज दूसरी बार लग रहा है। किसी के, एक तो ये जो बकी साहब होते हैं इनसे बड़ा होता है इनका मुंशी, वो बड़ी कमाल की चीज होती है। वो मुवक्किल के आने से पहले भाई साहब ऐसा इंप्रेस कर देता है, भाई साहब फांसी लग रही थी फंदे पे तो खींच लाया हमारा वकील। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। और इश्क करने वाले लोग भी इस परिसर में होंगे, बताया गया है जवान वकीलों की संख्या ज्यादा है। एक दूसरे से मत कर लेना वरना मुकदमा फाइनल ही ना होगा। पूरी जिंदगी बहस चलेगी। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। अब आधी पंक्ति में बोलूंगा आधी आपके मुंह से खींच लूंगा। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो के गुजरी है। ये जिस वकील ने मुझे देखकर सीटी बजाई है ये वो आदमी है जो 370 के हटने पे इतना खुश नहीं है जितना 77 के हटने पे खुश है। अच्छा कुछ दो तीन मुक्तक मैं ऐसे सुना देता हूँ जिन्हें सुने बिना आप जाने नहीं देंगे मुझे, वो आप भी गाएंगे मुझे पता है। पहली बार आए लेकिन पूरी दुनिया को याद है, 200-300 करोड़ लोग को गाते ही हैं, तंजानिया में, सब जगह, नाइजीरिया में। सुनिएगा कि कोई दीवाना कहता है, एक बात सुनो जज साहब लोग बैठे हैं ये इसी बात से नाराज है कि 2 वकीलों का सुर एक साथ कभी नहीं मिला। आज इन्हें सिद्ध करें कि 5,000 वकीलों का सुर एक साथ मिला, या तो सब गाएं या सब ना गाएं। मेरे साथ वादा करो, गाओ कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी पागल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसे हूँ,
ये तेरा दिल समझता है, ये तो मेरा दिल समझता है। नीरज।